हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड एंड मैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि हो सकता है आप लोगों ने कोई नया काम शुरू किया है, कोई नया बिजनेस या फिर नई जॉब आपने ढूंढी है, और आप या तो नई नई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या आपके काम से रिलेटेड हो या कुछ भी नई नई चीज़ों की नॉलेज आप ले रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा बिजी भी रख रहे हैं, और आप बिल्कुल भी अभी इतने ज़्यादा जैसे पहले परेशान हुआ करते थे अपने पर्सन के लिए, अब वैसा दिखाई नहीं देता। अभी आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को बैलेंस किया है, अब आप ज़्यादा परेशान दिखाई नहीं देते और आप नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, ऐसा भी है। नई नई चीज़ों की नॉलेज आप ले रहे हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप की बात करें गाइस, तो यहाँ पर बहुत कुछ बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे पास्ट में परेशानियाँ जो चल रही थी, आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे, आप उन्हें चेस कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे, तो अभी यहाँ पर चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उनके पर्सन से बातचीत भी शुरू हो गई है। जो नो कॉन्टैक्ट में थे उनमें से कुछ लोगों की बातचीत भी उनके पर्सन से शुरू हो गई है, और जिनकी नहीं हुई है उनकी बहुत जल्दी हो जाएगी, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन भी अब समझदारी अब कहने तो दिखा रहे हैं, पास की तरह उनकी एनर्जी अभी नहीं है, अभी उनकी एनर्जी भी चेंज हुई है और आपके पर्सन में समझदारी आ रही है कि रिश्ते को बचाना है, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है। तो ये सारी बातें अभी आपके पर्सन के भी दिमाग में हैं, अभी वो इसी एनर्जी में भी हैं। तो अभी जिनकी बातचीत शुरू नहीं हुई है बहुत जल्दी हो जाएगी, आप लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों की तो बातचीत शुरू भी हो गई है उनके पर्सन से, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और एक बात अच्छी ये है गाइस कि जो आपकी एनर्जी है कि आप चाहते हो ये रिश्ता फिर से ठीक हो, आप दोनों फिर से एक हो जाओ, वही एनर्जी आपके पर्सन की भी है, उसी एनर्जी में भी आपके पर्सन भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात अच्छी है। पहले आपके पर्सन क्या होता था कि ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है ना, आपको इग्नोर करते, आपसे दूर भागते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको भी परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है, आप भी खुश हो जाओ कि देखिए आपके पर्सन भी आपकी ही एनर्जी में आ रहे हैं। और ये इसी वजह से होता है जब आप खुद को बैलेंस करते हैं। ठीक है, आप परेशान होते हैं, रोते रहते हैं, तो आपके पर्सन आपसे उतना ही दूर भागते हैं। ठीक है ना, आप उनको चेस करते हैं और वो रनर बन जाते हैं। तो इस वजह से आपको जो अभी जिस तरह से अभी आप चल रहे हो ना, खुद के काम पर ध्यान दे रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, बस ऐसा ही आपको करना है। और देखिए आपके पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आप उनके पीछे अब नहीं भाग रहे है ना, तो आपको भी ऐसा ही बैलेंस बनाकर चलना है। और देखिए ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ऐसा भी है। ठीक है, और आप उन्हें माफ़ भी करोगे, ये भी है। ठीक है, और देखिए जो लोग कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन के साथ, तो उनके पर्सन थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप पहले की तरह अब उन्हें कॉल या मैसेज अपनी ओर से नहीं करते, या आप उतना ज़्यादा इंटरेस्ट अभी अपने पर्सन में नहीं दिखा रहे हैं, तो आपके पर्सन थोड़ा सा कह दें तो डर में हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब आप उनसे दूर भाग रहे हैं, इस वजह से उनकी तरफ पहले की तरह ध्यान नहीं देते, उनका हाल जानने की कोशिश नहीं करते, और आप में आपको भी ऐसा लगता है कि उतना अभी उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये सब, शायद आप अपने काम पर कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड हैं, ये भी हो सकता है। तो इसलिए जिन जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पर्सन थोड़े से घबराए हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आप उनसे दूर जाते जा रहे हैं। तो देख लो भाई, थोड़ा समझदारी से काम लो, कितने भी बिजी हो थोड़ा टाइम निकाल के हाल चाल पूछ लिया करो अपने पर्सन से, और उनको महसूस कराओ कि आप उनसे प्यार करते हो, नहीं तो उनकी भी बेचारे इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप शायद उनसे दूर भाग रहे हो, आप उनमें अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, ये उन्हें लगता है, तो ऐसा मत करो। ठीक है, और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो गाइस, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन अब वो लेने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को ये भी लगता है कि शायद अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, इस वजह से आप कोई इंटरेस्ट अब अपने पर्सन में नहीं ले रहे, क्योंकि आप खुद पर फोकस कर रहे, अब उनको चेज नहीं करते, उनके पीछे भागते नहीं, तो अब आपके पर्सन इसी वजह से परेशान भी हैं कि उन्हें लगता है कि
आप शायद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो और अब आपको अगर वो कॉल या मैसेज भी करते हैं, आपसे मिलते भी हैं, तो आप उनकी तरफ अब ध्यान नहीं दोगे, ये आपके पर्सन को डर है। ठीक है, और आप गाइस अगर अकेले भी हैं अभी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके साथ कोई है या नहीं है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंजॉय कर रहे हैं, अकेले ही आप खुश हैं। और यहाँ आप अकेले भी खुश रह पा रहे हैं गाइस, और आपके पर्सन वहाँ टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ शायद ख़त्म हो चुका है, सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अब उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते, इस वजह से अब आप कोई कांटेक्ट नहीं करते या उनसे मिलना आप ज़रूरी नहीं समझते। जबकि पास्ट में तो ऐसा था नहीं, आप उनके बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन अब आप अकेले भी खुश हो, आपको ज़रूरत नहीं महसूस होती आपके पर्सन की, तो वो परेशान हो रहे हैं ये सब देखकर। ठीक है, तो इस वजह से वो डर भी रहे हैं कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है उनकी गलती की वजह से। और आपके पर्सन जब पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइस, जो आपने समय साथ में बिताया उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको जो हर्ट किया उन्होंने उसे भी वो याद करते हैं, आपको जो चीट किया वो भी उन्हें याद है, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा अभी आपके पर्सन याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं आपको भूल जाना, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान आपके पर्सन दिखाई देते हैं। और देखिए गाइस, यहाँ पर ऐसा भी है कि आप कुछ लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन अब पूरी होने वाली है, ऐसा भी दिखाई देता है। और ये भी यहाँ दिखाई देता है कि कुछ समय बाद आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएंगे, और ये यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई नया इंसान भी आपकी तरफ बढ़ रहा है या आपका क्रश हो सकता है, और जो आपको छोड़ कर गया है वो भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है, तो आप फ्यूचर में किसी नए इंसान के साथ या आप ही किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, ऐसा कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में दिखाई देता है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएंगे। और ये आपके पर्सन है, ये भी आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, तो ये परेशान अभी भी हैं और परेशान ये आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये इंसान अब आपको खोना नहीं चाहता, ये अपनी ज़िंदगी में आपको वापस लाना चाहता है, लेकिन इसको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, इसको यही लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप उसकी तरफ अब ध्यान नहीं देते। और हो सकता है गाइस कि आप कुछ टाइम बाद कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बाहर बाहर जाने का प्लान आपका बनेगा, ऐसा भी दिखाई देता है, और या फिर आप कोई दोस्त है जो आपसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ हो रहा है, या कोई नया पर्सन है जो आपसे क्लोज़ हो रहा है, या आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हैं या वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, तो इन सब से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जेलिस होंगे, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। उनको ये लगेगा कि आप खुद में अब इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो कि आपको अब उनकी ज़रूरत ही नहीं है, आप उनसे कोई मतलब रखना ही नहीं चाहते। और बहुत समय से जो आपकी इच्छा थी गाइस, जो आप चाहते थे कि आपके साथ ऐसा हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, आप भी खुश रह सकें, क्योंकि आप इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान तो रहे हैं, तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे खुशियाँ और प्यार, वो सब अब आपको मिलने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर कंप्लीट होती दिखाई दे रही है। और ये जो नया इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रह पाएंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन वो इंसान भी आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन वो परेशान रहेगा इस वजह से, क्योंकि आप उस नए इंसान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे और इस इंसान की तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपने भी तो उनसे धोखा खाया है, आप भी तो उनकी वजह से इतना परेशान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान किसी से अगर परेशान रहा है तो उसकी तरफ वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, अगर उसे उसके बदले कोई अच्छा इंसान मिलता है तो। और ये जो नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वो यही है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो खुशियाँ आप चाहते थे, शायद उसी इंसान से आपको मिलेंगी, ये भी हो सकता है। और 2023 में गाइस आपको बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 2022 और शायद इसके पहले बहुत टाइम से आप इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं।
और आपको गाइस क्या करना है, जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं आपको वो एक्सेप्ट करना है खुशी खुशी। ज़िद में मत अड़े रहो कि मुझे यही इंसान चाहिए या मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अगर आप उसी इंसान को दोबारा मैनिफेस्ट करते हैं या उसी इंसान को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो हो सकता है वो दोबारा फिर आपके साथ धोखा करे, वो आपको फिर से परेशान करे। उसकी वजह से तो आप परेशान रहे हैं, आपको तो पता है कि वो चीट करके आपको गए हैं। ठीक है, कुछ के पर्सन तो चीट करके ही गए हैं, कुछ के पर्सन भले ही मजबूरी में गए होंगे, उनकी बात मैं नहीं कह रही, लेकिन जिनको पता है कि उनके पर्सन उन्हें चीट करके गए हैं या थर्ड पार्टी में ही वो चले गए आपको छोड़कर, तो ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करना या उसके लिए ज़िद पकड़ कर बैठे रहना भी सही नहीं है, क्योंकि एक बार जो धोखा दे सकता है वो दोबारा भी धोखा दे सकता है। ठीक है, तो अगर आपको यूनिवर्स कुछ दे रहे हैं तो आपको उसे खुशी खुशी लेना है, ज़िद पर नहीं अड़े रहना है। अगर नया इंसान कोई आपकी ज़िंदगी में आता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कोई नया पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो हो सकता है उससे आपको खुशियाँ मिलने वाली हों, जो आप चाहते थे, जो प्यार, जो सपोर्ट, जो केयर, वो उस इंसान से आपको मिले जो इस इंसान से आपको नहीं मिला। तो आपको यूनिवर्स के दिए हुए हर चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।